अभी हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। अम्बाला में ये स्वर्ण द्वार है, काफी सुंदर है। अभी शिमला के लिए निकलते ही शिमला की तरफ हिमाचल के ढाबों की चकाचौंध, बॉलीवुड ढाबा स्पाइसेस, पौने दो बज चुके हैं रात के। शिमला को क्रॉस कर रहे हम लोग और ये शिमला का नजारा देख सकते हो। रात की चकाचौंध में खूबसूरत दिख रहा है काफी। और ये महिंद्रा का शोरूम और ये हमारी महिंद्रा। अरे अमित, हाँ भाई चले चलो चलो चलो, आओ बैठो। चल भाई चलते हैं शिमला से आगे की तरफ। और ये पीछे सवारियां स्लीपिंग मोड में है। मैं भी हूँ। तू स्लीपिंग मोड तो नहीं है? एरोप्लेन मोड डालना पड़े। एरोप्लेन मोड में है। हम लोग रामपुर बुशहर को क्रॉस कर रहे हैं। बड़े शानदार रोड हैं और साइड व्यूज भी काफी जबरदस्त हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के कितने बज गए भाई? 5:15 बज चुके हैं। सनराइज होने वाला है। चाय वाले की दुकान ढूंढ रहे, चाय वाला मिल जाए तो चाय पी ले। नाफ्ता झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट के पास रुके हुए हैं, जहाँ से सतलुज रिवर बह रही है और ये ऊपर सनराइज होता हुआ हल्का हल्का दिख सकता है, दिख रहा है।
अल्टीमेट व्यू। खुल गया आंखें। जाखरी के बाद अब जोरी आया, जोरी उसके बाद नेक्स्ट सांगला टापरी 45 किलोमीटर, सांगला 71 और चिटकुल 95। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में एंट्री करने से पहले जूरी के पुलिस चौकी आई है, यहाँ पर एंट्रीज करवाते हैं जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, और जो भी व्हीकल है उनका सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर एंट्री की जाती है। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से अब हम लोग टापरी की तरफ
चल चुके हैं टापरी, टापरी के बाद आगे सांगला और फिर चितकुल। शानदार व्यू काजा, सॉरी मेहनत कितनी कर रखी है।
खर्चम वांग टू 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट। सिटी को क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग, साथ साथ सतलुज रिवर बह रही है और अब यहाँ से हम सांगला के लिए निकलेंगे। सुबह के लगभग 8:30 हो चुके हैं।